रामलला के लिए तो भक्तों ने अपने भाव का खजाना खोल ही दिया है। वे जमकर प्रभु श्री राम पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। भाव और भक्ति के साथ साथ भक्तों की श्रद्धा भेंट के माध्यम से भी देखने को मिल रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ भक्तों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को 80 किलो वजनी तलवार भेंट की है। ये तलवार 7 फीट और 3 इंच लंबी है, जो बिजली की तरह चमक रही है। प्राचीन अस्त्र शस्त्रों के निर्माता नीलेश अरुण सकट ने अपने साथियों के साथ अयोध्या पहुंचकर ये तलवार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी। इस तलवार का नाम रखा गया है नंदक खड़क। इसको लेकर नीलेश अरुण ने जानकारी भी दी, सुनिए उन्होंने क्या बताया। मैं ऐतिहासिक शस्त्र संग्राहक हूँ और मैंने बहुत सारे जगहों पे मेरे शस्त्रों का एग्जीबिशन किया हुआ है। आज मैं यहाँ पे प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करने के लिए उनका नंदक खड्ग जो है वो उस प्रकार का एक खड्ग लेके आया हूँ। ये खड्ग जो है इसकी विशेषता यह है कि ये 80 किलो का खड्ग है और इसमें जो इसकी जो कुल लंबाई है वो 7 फीट 3 इंच का ये लंबाई है। आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो इसपे ये जो खड्ग बनाया हुआ है ये विष्णु नारायण भगवान जो है उनको समर्पित करके बनाया हुआ है। तो इसके लिए विष्णु जी के जो दशावतार है वो दशावतार इसमें लगाए गए है। उसके साथ साथ विष्णु के जो सुचिन्ह है पद्म गदा चक्र और ये सब इसमें कुरे दे गए हुए हैं। इस प्रकार का ये खड्ग है। इसका पात जो है ब्लेड जो है ये फौलाद का ब्लेड है और उसका मुठ्ठा पीतल का मुठ्ठा है। उसके ऊपर सोना चढ़ाया हुआ है। उसके साथ साथ में इस पे मीना काम भी किया हुआ है। ऐसा ये खड्ग बनाया हुआ है। ये खड्ग बनाने में मेरे को 1.5 महीने का टाइम लगा। जैसे जिस दिन ये अपना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आया था कि राम मंदिर यहाँ पे पुनः बनेगा तो उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मेरी तरफ से कुछ ना कुछ छोटा सा उपहार में ये मंदिर ट्रस्ट को दूंगा और यहाँ पे प्रभु श्री राम लला के चरणों में अर्पण करूंगा। इसके हिसाब से मैंने ये खड्ग बनाया हुआ है। इस नंदक खड्ग को पीतल और सोने से तैयार किया गया है। नंदक खड्ग नाम की इस तलवार को विष्णु जी को समर्पित किया गया है। तलवार में विष्णु जी के अवतारों को दिखाने की कोशिश हुई है।